जैसे कि लोगों का ये मानना है कि जो पानी की समस्या है, पहले हमारे खेत की सिंचाई किससे होता था? तालाब से होता था। और आदमी पानी किससे पीता था? कुएं से पीता था। कुएं को हमने पाट दिया। अब जो अभी कोई मुझे बता रहे हैं 20 पानी को कुआं डाल दिया। जो आदमी जो कुआं हमें जीवन देता है, हमारी जिंदगी चलाता है, जो कुआं हमें पानी देता है जिससे हम जीवित है, उसके साथ हमने ये बर्ताव किया। इसमें हमने पूरा कबाड़ा डाल दिया, उसको पाट दिया, उसको मार दिया। तो ये पूरा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, जिससे इसका जो आदर भाव है कुएं का, जिसका जो पूजनीय है, लोगों के मन में वो भाव पुनः पैदा हो जाए, जिससे लोग उसमें कूड़ा ना डालें, लोग उसमें कोई अन्याय ना करें, उसको पाटे मत, उस पर अतिक्रमण ना करें। और कुएं की सफाई की व्यवस्था सबको करना है। ये कोई सोचे कि नगर पालिका कर देगी, सरकार कर देगी, नहीं। हम इस मोहल्ले के जितने लोग हैं, सब लोग इसमें मदद करें, श्रमदान करें। अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना है पैसे के माध्यम से, जो लेबर आएगी लगेगी, उसमें भी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि ये सब काम सामूहिक है। दूसरा, इस कुएं के बचाने के लिए, रक्षा के लिए एक समिति बना लिया जाए, अगल बगल के जो लोग हैं, ठीक है। और वो लोग ध्यान रखेंगे कि यदि किसी आदमी ने कूड़ा फेंका या किसी ने इस तालाब के साथ अन्याय किया, तो वो समिति उनको तुरंत कार्रवाई करेगी, उनको पहले तो समझाई बुझाएगी। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, अभी 2 दिन हुआ, 10 दिन बाद इस पूरे अभियान को इतना चरम पे ले जाएंगे, इतने ऊंचाई पे ले जाएंगे, लोगों के हमें दिमाग बदलना है कि ये पूजा का सामान है कुआं, ये पूरा फेंकने का पूरा घर नहीं है, ये जो मना स्थिति है इसको बदलना है।